क्या आप जानते हैं अंधभक्तों को मानसिक गुलाम क्यों कहा जाता है? मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिए। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। जो व्यक्ति किसी की कही हुई बातों को बिना तर्क के साथ मान लेता है वो असल में सामने वाले का मानसिक गुलाम होता है। ऐसे ही लोगों को अंधभक्त कहते हैं। पिछले 10 सालों से अंधभक्तों के लिए मोदी ऐसे ही लोहे की लकीर है। मोदी चाहे सफेद झूठ बोले, अंधभक्त उसको सच मान लेंगे। अंधभक्तों से मोदी के देशहित के 4 बड़े काम पूछेंगे तो वो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको बता देंगे। तो आप लोगों को कैसे पता चलता है व्हाट्सएप पे आता है? व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया सबसे बड़ा काम होता है। सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ मिलता है, तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये अनपढ़ अंधभक्त भारत की गरीबी, बढ़ती महंगाई, देश की मुख्य समस्याओं के अलावा दुनिया भर की कोई भी बात कर सकते हैं। अंधभक्त नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फ्रांस की बात कर लेंगे, लेकिन भारत की गरीबी और बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने की इजाजत उनके जुमलेबाज फेंकू नहीं दी है। वो दुनिया की बात करेंगे लेकिन 5 महीनों से जल रहे मणिपुर पर बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे। असली मुद्दों पर कभी भी चर्चा नहीं करेंगे, भले ही उनके घर में 10-10 बेरोजगार बैठे हों। इनका एक काम और है और वो है भारत के पुराने नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देना। इनकी सोच हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ ही नहीं सकती। विपक्ष शासित राज्यों में सरकार का कामकाज उनको दिखाई ही नहीं देता। वास्तविक देशभक्तों, वास्तविक भारत माता के सपूतों से इनको गहरी नफरत रहती है। अंधभक्त दरअसल चोर लुटेरी मानसिकता के लोग होते हैं, इसीलिए अपनी चोरी डकैती को छुपाने के लिए राष्ट्रवाद और द्वित्व का चोला ओढ़े रहते हैं।